जनपद संभल के चंदूसी तहसील क्षेत्र में गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकली। स्वचलित झांकियां रही प्रमुख आकर्षण का केंद्र। जनपद संभल के चंदूसी में पिछले 58 वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली गणेश चतुर्थी के मेले की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकली। गणेश शोभा यात्रा में 16 आकर्षक स्वचलित झांकियों के साथ कुल 37 रथ और बैंड बाजे भांगड़ा जत्थे संकीर्तन समूह शामिल हुए। झांकियों को बनाने के लिए सभी धर्मों ने बहुत मेहनत की। इन झांकियों में हवन सामग्री से बनाई गई हनुमान जी की झांकी पर्यावरण की शुद्धता का संदेश दे रही थी, जबकि LED बल्ब से निर्मित शोभा यात्रा की प्रमुख भगवान गणपति बापा की झांकी बिजली बचत का संदेश दे रही थी। इस झांकी को बनाने में 50,000 से अधिक छोटे छोटे LED बल्बों का इस्तेमाल किया गया है। गणेश शोभा यात्रा का शुभारंभ प्रदेश सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने पूजा करके किया। ये जो है ये मेला हमारे प्रदेश में और बहुत प्रचलित मेला है और यहाँ की इतनी अच्छी ख्याति है, मुझे खूब ध्यान है। मैं 1984 में से अपने गांव ढेंगवा से ट्रैक्टर से आते थे, उस समय मेले की बहुत रौनक भी रहती थी और आज भी रौनक है। और मैं बड़ा गणेश बाबा के लिए मैं हृदय से नमन करता हूँ कि आज मुझे इस रूम में यहाँ आने का मौका मिला है। उस परम पिता परमेश्वर हरिमोहन की कृपा से मैं सब जिम्मेदारी लगाऊंगा और यहाँ के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे सब चंदौसी के विकास के बारे में कह दीजिए और चंदौसी में आया हूँ तो चंदौसी भी होगी। पूरे प्रदेश में जो मुझे विभाग दिया है उसके की।